छतरपुर में एक सप्ताह में रिश्वतखोरी की दूसरी घटना सामने आई है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक पकड़ा गया है। कपिलधारा कुआ और कुटीर पास करवाने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और उसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए छतरपुर अदालत के पास ग्राम रोजगार सहायक राम मनोहर मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ा है। 40,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई थी आवेदक राम स्वरूप से और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं रंगुआ के ग्राम रोजगार सहायक। लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की गई थी आवेदक के द्वारा और इसके बाद शिकायत को सत्यापित करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने छतरपुर अदालत के पास 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रोजगार सहायक को पकड़ा है। कार्रवाई की गई सागर लोकायुक्त द्वारा, इसमें आवेदक राम स्वरूप विश्वकर्मा द्वारा 2 तारीख को एक शिकायत की गई थी। इसमें ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत अनुवा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसके कुटीर और कपिलधारा को के किस्त निकालने की एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसको हमारे द्वारा तस्दीक किया गया, करने के सही पाया और आज हम 10,000 रुपये लेते हुए पड़ा है। कहाँ से कारा हाथ कर जा रही है, कहाँ से सर? ये न्यायालय के का जो गेट है और जो मंदिर है, मंदिर के सामने। थैंक यू।